मेरे को सजा मिल गई। कहां से जादू करे? शमशान से, कब्रस्तान से। सिर्फ कलर बदली करो दीवार का। ऐसा जलाओ जलाओ तेज दिखता। नहीं 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 कलर की तेरी क्या दुश्मनी हो? मुझे मार डाला, मेरे बेटे ने मारा ना, इसलिए मैंने उसको बोली क्या वो दीवार के अंदर कुछ तो भी डाल दे। क्या डाली जादू से? क्या डाली? उसको नागपुर को भेजाई। क्यों भेजाई थी? क्यों भेजाई थी? वजह जल्दी टाइम नहीं, मेरे पास पूरा जला दूंगा। तो मुझे माफी कर दो। नहीं नहीं पेशेंट का क्या नाम है ये? समीना। समीना को कब मारने वाले थे? मारने उनको दोनों मियां बीवी को दूर कर दी। अच्छा। उसको नाम मत कर दी उसके मरद को, मैंने उनके झगड़ा होना बोल के। हाँ मगर वो फिर भी लड़ रहे नहीं। हाँ कहीं में खिलाई उसके मरद को? पहले उसकी बेटी का तोड़ी मैंने। हाँ। अब है ना वो मैंने घर में कलर लगाने लगी ना, इससे वो दोनों भी दूर हो गए। उसके मियां को मैं खिलाई, वो कलर में है उनका घर। उसके मरद को समीना के कई में दवा डाल दी। हाँ कई में दवा डाल के बीमारी लग गई उसको। मटके में डाली मैंने उनके। अच्छा सब कुछ पिला दी। कब डाली थी? कितना टाइम हुआ? कितना टाइम हुआ? मैं यहाँ नहीं आना चाहती। कितना टाइम नहीं आने दे रही थी उनको? रुका रही थी रास्ते में, अड़खड़े डाल रही थी उनके। मगर सैलानी जो है ना उसके बहुत आसरे में आ गए। यहाँ के दर पे नहीं आने दे रही थी उनको। नहीं जादू कहाँ से चले? शमशान से, कब्रिस्तान से। नहीं खुद करता। अच्छा समीना को कितने साल से परेशान कर रहे हैं? 5-10 साल से परेशान कर रही उसको मैं। पहले सबसे पहले अच्छा लगाई मैंने। हाँ और मार देने वाली है क्या? नहीं सही सही बोल। हाँ क्या क्या करने वाली है और जल्दी जल्दी बोल। जलाओ उसके हाथों में, तेजी से आग लगाओ। मैं चाहती क्यों यहाँ नहीं रहना? कहाँ उसके घर पे? समीना घर पे समीना नहीं रहना तू चाहती? हाँ और क्या तकलीफ दे रही तू? और जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं, तो अभी दो टुकड़े कर दूंगा काट के। हाँ भागने को देख रही नालायक, जल्दी उठने को काट दूंगा अब दे। हाँ सवाल के जवाब दे, मेरे अभी जाने की इजाजत नहीं दी तुझे। जादू चलाते वक्त समीना का क्या लिख गई थी? कपड़ा चप्पल मट्टी बाल क्या ली थी? चल देख। हाँ क्या ली थी? हाँ बोल जल्दी बोल। हाँ कपड़े जोर से बेटी के उसके कपड़े लिए हैं हमारे पास। हाँ और कौन से कलर के ड्रेस है उसके बेटी का? उसका जामुनी है ड्रेस। अच्छा दीवार पे भी मैंने जामुनी कलर लगाने लगी। हाँ कई कुछ पसंद है जामुनी, जादू आजाद चल रहे जामुनी पे हो गए लोगों को जादू आकर के परेशान कर रहे। निखट्टू हो नालायक हो तोड़ू क्या तेरे दाता मार के? हाँ बच्चे भी सुनते हैं उन्हें करा रही थी ना वो। क्या क्या करा रही थी? और क्या करा रही थी? गई और झगड़े क्या हो रहे थे घर में? मेरी बच्ची को करके दिए थे तो वहाँ 4 साल रही बच्ची। तो वो बच्चे को मतलब वो बोले कि चार जगह दवा खाने में बताए तो बोले बच्चा मतलब आदमी में नहीं उसके तलाक करा दिए। अब हमारे बच्चे से बच्चे की शादी पहले जमाई को कौन ने कराए थे? उनके नाम आरत बोल जल्दी। कैमरा लगना से बोली गई उन्होंने उसके हाथा काट दिए। अब यहाँ जल्दी बता पहले जमाई को कौन करे थे उसके? नहीं नहीं कौन करे थे पहले जमाई को? नाम और कौन बनाए थे उसके? मामले नहीं करे उसके, उधर के थे वो लोग। हाँ वो कमला चला रही जलाओ उसको। नहीं 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 आ, 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 क्या नाम है तेरा? क्या नाम है बानो? बहुत जादुआ कर रही लोगों पे। क्या नाम है तेरा? हमीदा। हाँ जोर से जलाओ उसको तेरे से। क्या नाम है? हमीदा है। हमीदा कौन होती तू इसके रिश्ते में? कौन होते? जिठानी है ना मैं उसकी। करेंगे दोबारा? बच्ची भी मिल गई उसको इतनी जल्दी। करेंगे अब दोबारा?
चल तो बता बकर, जल्दी तो बता बकर, मुंह पे हाथ मार के तो बता बकर, जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें पूरा जला के राख कर दूंगा। चले मौका दे, इज्जत निकल के भाग। अरे समीना को कहीं में दवा खिलाई थी मिला के, हाँ बार बार डबल से सबको सुने आना, कहीं में खिलाई वो लोगों को, पेड़ा खिलाई थी, सुन पेड़ा खिलाई थी और मटके में भी डाली, हाँ मटके में भी दवा डाली थी। चलो ठीक है जकड़ लो, उसकी मारत को कहीं में खिलाई थी, सुने आया क्या कुछ, जल्दी आई उतना ही, बस मटके में वो घर कलर बच्चे के मारने की भेजी थी मैंने। अच्छा उसमें कलर में दवा डाल के भेजी थी जादू की, उससे घर परेशान। हाँ चल भाग भाग निकल के, तेरी कमबख्त नालायक निकल, तू हूँ सालो भाग कर, रात चल रहा है तुम्हारे, आ रहा उसको नालायक को बन के जकड़ के, हाँ भाग। सुन लिया ना सारी दास्तानों की, क्या चल रहा मसला, तो अभी बच्ची की शादी, क्या नाम इनका, इनका नाम समीना, हाय समीना भी, अरे क्या होगा, उठो पानी दो उनको, पानी दो दर ग्लास में, हाय समीना भी, अरे क्या होगा, पानी पिलाओ उनको, कैमरे तो मान लेते हो, ये सुबह शाम दो टाइम घर में स्प्रे करते जाओ उनके आंख पे, वो सब दुआ का पानी सबको पिलाओ सुबह शाम दो तीन टाइम ज्यादा ज्यादा बढ़ा के, और उसमें सात बार इधर कुर्सी, सात सात बार चारों कुल पढ़ के दम करो और ज्यादा से ज्यादा वो पानी पिलाते रहो सबको। अब ऐसी बात है, तुम लोग आए एक दूसरे पे जादू आटो में कर ले, जादू के लिए सब करते हैं, ये सब गलत बातें हैं, और उड्डा चोर कोतवाल को डांटे, वाह रे कमाल है तुम्हारे लोगों की, तुम जादू कर रहे थे, तुम्हारा नाम निकला तुम्हें इस बारे में, तुम बोलते कि पाई चीज काला नाम, मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी है, तुम आप पहचान सके, मगर तुम लोग करने को करते हैं बाद में कुछ बुरा बोलते, मेरा नाम क्यों निकाला क्या निकाला, मगर तुम एक बात याद रखो, वन मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाट की है, तुम ये समझ के करते हो कि बेटा बिल्ली भूत की थी आंखें बंद करके, उन्हें सोचती कि कोई नहीं देख रहा, मगर देखने वाला तो वो है ना, वो तो देख रहा ना, कोई देखो के मत देखो, दुनिया को दिखा के और दुनिया को नहीं दिखा के कुछ फायदा नहीं है, दुनिया में सारी चीजें तुम दिखाओ, कपड़े पहन के दिखाओ, दौलत कमा के दिखाओ, बिल्डिंग बन के दिखाओ, वो सब जाया हो जाने वाली हो, दौलत खत्म हो जाएगी, जवानी भी बुढ़ापे में बदल जाएगी, बुढ़ापा मौत में बदल जाएगा, दौलत मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, घर बिल्डिंग देवड़िया हवेलियां धूल खा जाएंगे और मट्टी राख बन जाएगी, हर चीज कुछ फायदा नहीं रहेगा, हवेलियां देवड़िया तक एक पुख्तेगा, देखो ना रजवाड़े राजा लोगों के, उनके सामने तुम्हारी कोई हैसियत और औकात भी नहीं थी, आज क्या है उनके आलम रजवाड़ों के धूल खा रहे और राख के और मट्टी के ढेर बन के पड़े वाले, तुम भी एक दिन फना होना है, कुल्लुन नफसुल जायकतुल मौत, कुल्लुन नफसुल जायकतुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है, सिर्फ अल्लाह को छोड़कर बाकी तो सबकी रूह कब्ज़ होने आएगी, सबको खत्म करने वाला है, यहाँ तक कि अल्लाह फरिश्तों की भी रूह खींच देगा, जब सुर फूकने का हुक्म देगा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर अल्लाह बोलेगा चांद सूरज गैलेक्सी सबको खत्म कर दो, फिर वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर फरिश्ते बचेंगे तो अल्लाह बोलेगा सारे फरिश्तों की रूह खींच दे, मौत का फरिश्ता सारे फरिश्तों की रूह खींच लेगा, बाद में अल्लाह खुद मौत की फरिश्ते की रूह खींचेगा, तो मौत का फरिश्ता बोलेगा कि हाय हाय मेरे रब्बुल आलमीन, अगर मुझे पता होता था मेरा अल्लाह, मुझे पता होता था तो रूह खींचने में इतनी तकलीफ होती तो मैं ड्यूटी च नहीं लेता था, जबकि इतना ताकतवर फरिश्ता है, जिब्राइल मिकाईल इज़राइल इसराफ़ील, ये चार बड़े फरिश्ते कितने बड़े ताकतवर बनाए हुए अल्लाह ने, तो इतना ताकतवर फरिश्ता बोलेगा कि मुझे पता होता तो मैं ड्यूटी नहीं लेता था, तो तुम अगर गुनहगार शख्स की तो बताया वाला है कि और ज्यादा खतरनाक तरीके से रूह कब्ज़ की जाएंगे, नेक इंसान की तो ऐसे निकाली जाएंगे जैसे आटे में से बाल, तो तुम नेक बनो ना, एक बनो और नेक बनो, गुनहगार बन के ऐसे जादू को एक दूसरे पे करके कुछ कुछ छूने वाला नहीं है, और तुम जादू करने कर रहे हैं बाद में हटाने वाले अल्लाह वालों को बुजुर्गाने दिए उनको बोलिए अल्लाह को, फिर तुम बाद में बुरा बोल रहे अपनी जबानों से, तो ये बात याद रखो, तुम अपनी जबान से अल्लाह के वलियों को और अल्लाह वालों को बुरा बोलेंगे तो खुद ब खुद तुम्हारे जबान में वफा नाजिल होकर क्या आंसर हो जाता, खुद ब खुद हुआ ना क्या आंसर, बहुत सारों का बोला था ना मैं तुम्हारे लोगों को सुन रहे होंगे ना बैठ के देख रहे ना नालायकों, मैंने कुछ नहीं करा, वो खुद ब खुद तुम्हारे अल्लाह की तरफ से मार पड़ी, और वो आजाब अल्लाह किसी को मारता नहीं, अल्लाह किसी को जहमत नहीं देता, वो तुम्हारे आमाल तुम्हारे जहमत देते, तुम्हारे आमाल तुम्हारे जहन्नुम में जाके डालते, तुम्हारे आमाल तुम्हारे खबर में जहन्नुम का गड़ा बना देते, तुम्हारे आमाल तुम्हारे आजाब दिलाते,
अल्लाह आजाब नहीं देता, अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार और बहुत ज्यादा करीम है, अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, तुमसे मोहब्बत करने वाला है अल्लाह, सत्तर माँ की मोहब्बत करता अल्लाह तुमसे, अल्लाह थोड़ी तुमको जानने में डालता, अल्लाह थोड़ी तुम्हारे आजाब देता, अल्लाह थोड़ी तुमको वबाओं में परेशानियों में घिरता, तुम्हारे आमाल घिरते, तुम्हारे आमाल तुम्हारे आजाब कराते, तुम्हारे आमाल तुम्हारे जानने में डालेंगे, तुम्हारे आमाल दुनिया में तुम्हारे परेशान करेंगे, तुम्हारे आमाल जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोले थे ना लोगों ने एक ही अल्फाज में समझा दिए थे, तो वो ऐसा रहता है, आमाल की मार रहे थे, इसलिए नेक आमाल बनाओ, नेक रहो, अच्छे अखलाक रखो, तो तुम नेक सालहीन रहेंगे, तुम्हारी दुनिया आखिरत सब बनेगी, तुम जन्नत, जन्नत में कौन नहीं जाता, नेक आमाल, जन्नत के अंदर जितने तुम्हें इनामात मिली है, तो कई की वजह से मिली है, नेक आमाल और जन्नत और दोजख, जन्नत और दोजख हर धर्म के अंदर बता दिया, हर किताब के अंदर लिखा दिया वाली है, सबके अपने अपने इसमें अपने अपने लैंग्वेज के अंदर उसका ट्रांसलेशन करके बता दिया, हर धर्म के अंदर अच्छी और बुरी बताई वाली है, तुम सोच रहे होंगे कि हम नार क्या है, हम तो दूसरे धर्म के, हम आपको थोड़ी नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, हिंदू भी मुसलमान भी सिख भी ईसाई भी, तुम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बबूल बोएंगे तो आम कहाँ से खाएंगे, बबूल बोएंगे तो यकीनन बबूल के कांटे मिलेंगे फिर बड़े बड़े, इसलिए बेहतर है कि नेक बनो, एक बनो, सोचो कि दो राह रहती, हर धर्म और हर किताब के अंदर हर जगह बता दिया कि अच्छे ही और बुरे ही, भगवान अल्लाह ईश्वर की तरफ राह जाती और एक राह शैतान की राह रहती, शैतान की राह पे चलोगे तो बराबर फिर पिटोगे और दुनिया आखिर सब गई, और अल्लाह की राह पर चलेंगे रस्सी मजबूती से थामेंगे तो तुमको यकीन बहुत आते आते हिदायत मिलेंगी, और हिदायत मिलेगी तुम फिर नेक सालहीन में शुमार होकर जन्नत के हकदार में बन जाएंगे कभी ना कभी, तो हिदायत दे देंगे अल्लाह फिर नेक रहेंगे, तो ये सब बातें याद रखो, बहुत सारे बोलने की बातें मैं तुम्हारे को क्या बोलूं, मगर मैं भी बहुत सारी बातों को नहीं मानता था पहले, जादू में इतना किस्म करता हूँ, जादू में वैसा वार रहता हूँ, जादू में ऐसा वार रहता हूँ, जब मैंने देखा और प्रैक्टिकल में दुनिया को बताया तो मेरे को अल्लाह की उनसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे राज खुलते गए, और अल्लाह की खास बात है अल्लाह एकदम तुमको बताता नहीं, राज खोलते 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 तुम्हारे ऊपर खुलता, और जब तुमको पता चले, जब मेरे को पता चले तो मैं बहुत सारे बातें प्रैक्टिकल में पूरी दुनिया को बता दिया, जादू कितने किस्म का है, कैसा कैसा चलता है, क्या क्या वार है, कैसा कैसा मारते, बीमारी बीमारी तो पेशेंट मैंने बहुत कम देखा, जो लोग मर रहे हैं ज्यादा, मैं तो कुछ मेरे जबान ही नहीं बताया, मैंने तुमको पकड़ के पूछाया, जिन जो भी पेशेंट को लाया मेरे पास कैंसर, शैतान उसके आंख में हाजिर हुआ, उसने बोला कहेगा कैंसर, मैं तो जी डाले वाला हूँ इसको मारने को, छोड़े मुद्दत बने आई, फिर फला बीमारी का लाया पेशेंट, तो वो बोलता कि कई बीमारी, फिर उसका हाथ कटने वाला था छोकरे का, वो भी वीडियो आया देखो, सब सर्जन ने बोले काटना ही पड़ेगा, नो चांस, एक ही बार दुआ पानी करे अल्लाह ने फैज दे दिया, राइट होगा उसका हाथ, आगे उसका भी वीडियो है देखो पता चलेगा तुमको, क्या कैंसर बोल के हाथ काट रहे थे, बाद में तो एक ही मिनट में वो पाराइट हो गई, एक ही चक्कर में उसकी, अल्लाह ने एक ही बार में उसको फैज दे दिया, क्या पता चला उससे कि उसको कोई बला लगे वाली थी, वो बला कर दिखी, और बहुत सारे बलाओं को उन्होंने पकड़ के सामने पूछाया, कई पेशेंट को लाए, दिल का प्रॉब्लम है, हार्ट है, तकलीफ है, सामने बिठाते जान में हाजिर होगा, रो रहा कहीं की हार्ट कहीं की तकलीफ, मैं तकलीफ दे रहा, बीमारी अपने जगह है, अमल अमलिया शैतान वो जिन्नाती अपनी जगह है, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बीमारी अब तुमको लगी कोई भी तो उसका ट्रीटमेंट करो, दवा गोली लो, जब ही राइट हो जाती है, मेडिकल साइंस तो इतना आगे बढ़ गया है, जब भी तुम्हें राइट कर देता, बार बार मेडिकल साइंस फेल हो जा रहा और घुटने के बल गिर जा रहा, तो फिर समझ जाना कि ये यहाँ पर क्या बोलते, तो कुछ दूसरे दुनिया के वार चल रहे, क्योंकि दूसरे दुनिया वाले मेडिकल साइंस को सुनते नहीं, गिनते नहीं, पकड़ में आने आते भी नहीं उनके, क्योंकि मेडिकल साइंस तुम्हारे बॉडी की स्कैन कर सकता, तुम्हारे बॉडी को स्कैन कर करके सारे बीमारियां तुमको बता सकता, बॉडी पे जादू नहीं चलता, जादू रूह के ऊपर चलता, और रूहानियत को नापने वाली कोई मशीन नहीं है, जिस दिन रूह को नापने वाली मशीन बनेगी, बीपी शुगर वो फलाना ढमका स्कैनर कैसे स्कैनर आए, तो वो स्कैनिंग मारने वाली जब मशीन बनेगी रूह को, तो फिर वो तुमको बताएगा डॉक्टर की यकीनन तुम पे जादू है और इतने परसेंट और इतने लेवल पे जादू है, जब तुमको पता चलेगा, क्योंकि रूह को नापने वाली कोई मशीन ही नहीं बनी, और कयामत तक मुझे तो पता है कोई नहीं बना सकेगा, क्योंकि रूह को नापना पकड़ना इनके बस की बात नहीं है चिल्लरों की, क्योंकि अल्लाह देता हो सलाहियत, अल्लाह के तरफ से मिलती है जो भी सलाहियतें हैं, ये सब बातें ये जो भी है, तो उसके बाद तुम उस दुनिया में कदम रख सकते दूसरे दुनिया में, और वहां पर कदम अपना साबित कदम लेके चल सकते, तो जिन्ना शैतान बलाएं वबाएं तुम्हारे सब पागल करके अमल अब्जात अगर सीखने की कोशिश करे खुद से और कुछ भी कर रहे तो उतना बुरा तरीके से मारते हैं पागल करके रोडों पे फिरा फिरा के, सारे दास्तान है ना देखो ना तुम्हारे आसपास में कोई सिखाता हूँ पागल होगा तुमको दिखाऊंगा, और लोग बोलते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं,
देखो गुरु बिना ज्ञान का सत्यार दान, मुझे भी तो मेरे कोई उस्ताद नहीं है ना, मुझे अल्लाह ने सिखाया, कुदरत ने सीखे, जो भी बातें सीखी अल्लाह की तरफ से, नेचर की तरफ से सिखा ले, तो नेचर जिसको सिखाता उस्तादों का उस्ताद बनाता, और जो जिसको उस्ताद सिखाता उसको शागिर्द बनाता, समझे, उस्तादों का उस्ताद जो नेचर सिखाती उसको उस्तादों का उस्ताद बनाती कुदरत, और जिसको उस्ताद सिखाता उसको शागिर्द बनाता। कैसा बना के बिठाया सारे जिन्नाता शैतानों का ऊपर अल्लाह ने, कैसी उनकी दाल गठिल किया, उसका तकब्बुर, उसका घमंड, जादूगर का तकब्बुर, जादूगर का घमंड, जादूगर की अकड़, जादूगर का गुरूर, पूरी जिंदगी की मेहनत एक शैतान रखा, जो भी उन्हें जिन्नात चुड़ैल ताबे में लेके हासिल करे, और उन लोगों के आंख में छोड़ता, उनको मारता, परेशान करता, और यहाँ जब आते जिसको भी लगा लाए, जो भी आखिरी हद पे चल रहा है उसको डालिए, उसके आंख में पकड़ लेते और सामने हाजिर कर देते, और हाजिर करने के बाद उसके जिंदगी की मेहनत, जिंदगी का गुरूर, उसका घमंड, उसका फखर, उसका तकब्बुर एक सेकंड में मार के चकना चूर कर देते हैं शैतान, क्योंकि अल्लाह के कलाम की ताकत है, और कलाम इलाही के आगे किसी की ताकत नहीं है, वो अल्लाह का कलाम है, लोहे महफूज में लिखा हुआ था अल्लाह का कलाम, तुमको इतनी बड़ी नियामत अता करा अल्लाह ने, नालायको खुद से पैदा लो, उसको पढ़ो और उसका फायदा उठाओ, जुजदानों में सजा के महराबों में मत रखो कुरान को, तुम्हारे जुजदान में सजा कर महराब में रखने के लिए नहीं दिया लाए, तुम्हारे पढ़ने के लिए दिया लाए, तुम्हारे उस पर पढ़ के अमल करने के लिए दिया लाए, तुम उसको पढ़ो अमल करो सीखो और अपने जिंदगी में बातों को उठा लो, तो तुम्हारी दुनिया आखिरत सब बनेगी, ये कोई मामूली बात नहीं है, दुनिया भी बनना और आखिरत भी बनना, बन गई उसकी दुनिया और आखिरत जिसने अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामा, और जिसने आले रसूल औलाद अली का अदब करा, तो अल्लाह उसकी दुनिया वाखिर सब बना देता, रसूल अल्लाह की आल का अदब करो, अदब करो, तुमको बहुत सारे उलमाए बताते नहीं, छुपा के रखते, हो सकता है उनके दिल में अनापना होगा कि हम नहीं बताएंगे, क्यों बताएंगे, हम भी लेवल में, इनो भी लेवल में, ऐसा सोचते होंगे, हदीस पढ़ो, हदीस कुतुसिया पढ़ो, हदीसा पढ़ो, हदीस बुखारी की पढ़ो, तिर्मिज़ी की पढ़ो, दाऊद शरीफ पढ़ो, तुमको उसमें पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सैयदों का कैसा तुमको अदब करना है, कैसा एहतराम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी आल के साथ में अगर बेद भी करा और मेरे आल को क्या है, तो अगर उसने उनका अदब नहीं करा तो फिर यकीनन हशर के दिन मुझसे शफात की उम्मीद नहीं लगाना, मेरे औलादों को, मेरे बच्चों को बुरा बोलेंगे दुनिया में सैयदों को, और आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफात की उम्मीद रखेंगे, बिल्कुल नहीं रख सकते तुम लोग, बल्कि फरमाया सरकार ने, और तुम कौन से पैगंबर के पास देंगे शफात, सारे नबियों के नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नबियों के सर के ताज है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूरे नबियां उनके पास आकर बख्शा कर जाने वाले, तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं है और ना तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जो तुम आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला के हाल को बुरा बोल रहे, बुरा बोलने की तुम्हारे को कोई हक नहीं है, वो खाना इतना पाक है, पढ़ो करबला का वाकया तो तुमको पता चलेगा कैसा पूरे घराने को लुटा कर कुर्बान करके अल्लाह के राह में सब कुछ शहीद हो गए और इस्लाम को महफूज कर गए, कोई रहबर नहीं हमारा तुम्हारे सिवा हुसैन, क्या रहबरी की थी हमारे लिए हुसैन, अल्लाह वो रसूल की रजा में बच्चा बच्चा कुर्बान कर गए, हमारे लिए इस्लाम महफूज कर दिए, तुम्हारा जो आले रसूल औलाद अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलादों को बुरा बोलने वाले नालायक हो, तुम्हारा बाप है वो यजीद जिसने भी बुरा, उसने भी बुरा बोला था इमाम हसन इमाम हुसैन सारे घराने को, आज क्या आलम हुआ उस यजीद का, मालूम का, उस बदबख्त का, उसके खबर का आलम देखो जाके, उसका अंदर क्या आलम चल रहा, तुमको क्या मालूम, और हुसैन को देखो ना आज शहीद होके भी जिंदा है हुसैन, वो यजीद मर गया मालूम, मर के मट्टी में मिल गया और गर्क होगा, और देखो हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे आज भी जिंदा है, सूरह अली इमरान में अल्लाह फरमाता कि शहीद को मुर्दा मत कहो, शहीद जिंदा है और हम उसका रिक्स उसको ओवर पहुंचाते, और शहादत को, शहादत के जाम को, जो शहादत का जाम है जो नौश फरमाता मुसलमान खुश होकर दुआ करता कि अल्लाह मुझे शहादत का दर्जा अता कर, इतना बड़ा शहीद का दर्जा है, तो वो शहादत को बुजुर्गी बख्शने वाली शहादत है इमाम हुसैन की, इतनी बड़ी शहादत, तो उनका बहुत अदब बहुत एहतराम करना है सैयदों का, ये सब तुमको बातें बताना वाजिब है, अगर नहीं ये उलमा है दीन बहुत सारे जो है ना उलमा तुम्हारे में जो छोड़े वाले लाके तुम इकट्ठू हो समझो, वो यहूद नसारा के दलाल आए, वो दलाल वो उलमा नहीं है, वो दलालों को कलमा पढ़ा के दलालों को मदरसे में पूरा तैयार करके फिर छोड़ते, बताऊं तुमको कैसा रहता दलाल, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाकया पढ़ो, सुल्तान गद्दी पे बैठे वाले थे तो सुल्तान भेस बदल, सुल्तान के पास में कुछ लोग आए और आकर दरबार में बोले कि सुल्तान एक
उलमा दीन आए वाले बहुत बड़े आलिम मुफक्किरीन बहुत बड़ी शख्सियत अल्लाह वाली कि वहीं से फतवे दे रहे फटाफट ऐसे फैसले दे रहे कि पूरी जनता पूरी अवाम सब उनकी तरफ रुजू हो गई, पूरी सब उनके तरफ उनके गल उनका गलबा ज्यादा होता जा रहा, सब उनके तरफ झुका हुआ, बहुत नेक बख्श शख्स है और पूरा दीन हदीस के बारे में सब कुछ सिखाते बैठने वाला है। खिताबत तो ऐसी दे रहा जिसकी हद नहीं है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेष बदल कर वहां पहुंच गए और पहुंच कर बोले कि ऐ शख्स तो आप बहुत बड़े अल्लाह वाले तो मुझे खाली एक ही बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए। तो उन्होंने पूछे क्या, तो बोले मैं मस्जिद भेज बदल कर गए बताए ना कि मैं सुल्तान हूं, और बोले कि मेरा एक सवाल है आपसे कि मोमिन इस दौर के जो है अल्लाह के बंदे उन्हें क्या करना चाहिए, मस्जिद अक्सा छुड़ाना चाहिए कि नहीं छुड़ाना चाहिए, मस्जिद अक्सा जो यहूदियों के ताबे में है तो मस्जिद अक्सा की आजादी कराना चाहिए कि नहीं, उसके लिए लड़ने की मुहिम बनाना चाहिए कि नहीं। उस शख्स ने क्या कहा, वो जो आलिम दीन मुफक्किरीन इतना बड़ा बन के बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि अभी हालात का मामला देखकर ऐसा मैं तुमको फतवा देता हूँ कि तुम मस्जिद अक्सा के बारे में कोई हलचल मत करो, छोड़ दो उसको, बाद में देखेंगे, अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह पर छोड़ दो। बोलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब ने खंजर निकाले और निकालते उसकी उंगली काट दी खच बोल के और गर्दन पर रख के बोले कि अभी तेरे पूरी उंगलियां काट के गर्दन काट दूंगा, जल्दी बता तू है कौन, तू उलमा दीन नहीं हो सकता, तू मुफक्किरीन नहीं हो सकता, तू दीन का बड़ा आलिम नहीं हो सकता, तू कौन है जल्दी बोल, ये तो सब लोग तुझे मान गए आलिम, ये हाफिजा ये खारिया ये मुफ्तिया ये सब मिलके मान लिए तुझे बहुत बड़ा दीन का मुफक्किरीन आलिम, मगर तू है कौन सही बता, मैंने तुझे पहचान लिया। बोलते एक मिनट में उसकी उंगली काट दी, काटते उसके गर्दन पर खंजर रख के पूछे कौन है, कि उसने कहा कि नहीं नहीं मैं यहूदियों का जासूस हूँ, यहूदियों यहूदी था मुझे उन्होंने पहले क्या बोलते तो ये सब सिखाए, कुरान सिखाए हदीस सिखाए, मुझे मुफक्किरीन बनाए और तुम्हारे बीच में लाकर छोड़े, इसलिए छोड़े कि तुम्हारे पूरे कौम को मैं वरगला दूं, ये बोलकर कि उनके दिल दिमाग से वो बातें उड़ा दूं कि मस्जिद अक्सा आजाद कराने के और अल्लाह पर सुपुर्द कर दो, ऐसे बातें तुम में डाल दूं तुम्हारे दिल दिमाग में, समझ में आया, समझ में आया। इसलिए इबादत की रस्सी को ज्यादा से ज्यादा थामो, तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह गवाने देती बातों पर, जो भी डुप्लीकेट आता ना तुम्हारे सामने डुप्लीकेट आ के तुम्हारे फेंका रहा उल्लू बना दे रहा, उल्लू बना के तुम्हारे को क्या क्या बातें सिखा दे रहा उलट पलट, नहीं ये दौर इतना आला दौर चल रहा टेक्नोलॉजी के अंदर तुम्हारे जेब में पूरी दुनिया है, मोबाइल में पढ़ो और दूसरी बात मोबाइल से भी ज्यादा मदद ले लेना, किताबें लाओ। हदीस के अंदर ये नहीं बोले आला कि मोबाइल से दोस्ताना करो, हदीस में बोले आला कि मोबाइल कभी भी करप्ट हो सकता और सारा डाटा कभी भी मोबाइल पे जितना भी तुम नेट पे डाले किताबा पिताबा बना के वो कभी भी सैटेलाइट से करप्ट हो सकते हैं उनके हाथ में, तो इसलिए बेहतर है कि किताबें खुद लाओ और किताबों से इल्म हासिल करो, क्योंकि यूट्यूब वाले गूगल वाले जितना तुमको बताएंगे तुम सिर्फ उतना ही पढ़ सकेंगे और उतना ही आगे का पेज नहीं पढ़ सकेंगे, तुम उनके मर्जी पे पढ़ सकेंगे, तुम उन्होंने जब बताना चाहेंगे बताएंगे, आधी हदीस बताना चाहेंगे बताएंगे, पूरी हदीस पढ़ना है पूरा अमल करना है किताबें लाओ, आलम इस्लाम की किताबें लाओ, जंग अजीम की किताबें लाओ, तारीख इस्लाम की किताबें लाओ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जिल्द लाओ, हदीस शरीफ लाओ, बुखारी शरीफ लाओ, तिर्मिज़ी लाओ, अबू दाऊद लाओ, जितना तुम ला सकते तफसीर कुरान लाओ, ये सब पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ तो तुम्हारे को समझ में आएगा और कोई तुम्हारे को बहका नहीं सकेगा, दुनिया आखिरत सब तुम्हारी बनेगी, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। कहाँ से आए थे, इसे पहले कितने बार नाम बोला हूँ, परेशान करता था, ठीक है इंशाल्लाह।